रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लल्ला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाह मुबारक अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे सब फैंस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा, मेरी बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं व्लॉग बनाएं, इफ्तार का व्लॉग बनाएं, तो मैंने का सोचा बनाती हूँ। अभी बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा सा मौसम है। सो आई एम इन माई रूम राइट नाउ और अभी मैंने इफ्तार से कोई आधा घंटा रह गया है और इफ्तार से पहले आधा घंटा पहले मैं 20 मिनट्स की वॉक करती हूँ अपनी ट्रेडमिल पे और उसके बाद जो है वो इफ्तार की तैयारी होती है। सो लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो है वो क्या किस तरह तैयारी हो रही है और क्या बन रहा है। दिस इज़ माई स्टेयर केस जी, और ये देखें अल्लाह के नाम यहाँ लगाए हुए हैं मैंने। ये मेरा फ़ोटो एक पूरा तस्वीरों की जगह है और ये भी सारी खैर नीचे जा रहे हैं अभी जाके, वो मैं आपको किचन में थोड़ा सा अपना टूर कराती हूँ। ओके जी, आई एम इन माय किचन और डोंट वरी, को तो मैंने दिखा रही मेरी जो किचन हेल्प वाली है वो इधर उधर भाग गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी कि ये देखें जी, समोसे और रोल जो है वो बाहर निकल चुके हैं। ये होममेड समोसे रोल हैं और इधर फ्रूट चाट बना दिए हैं हमने, बना चुके हैं ये फ्रूट चाट। और ये एक मेरी डिश, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, एक मेरी बहन ने इंस्टाग्राम पे उनका पेज है वो भेजी थी, इसमें मैं खजूर और बादाम वगैरह डालती हूँ, वो भी आपको मैं फाइनल दिखाऊंगी। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे फ्रिज में क्या है। टाटा, ये कस्टर्ड हमने कल बनाया था जो आज तक चल रहा है। और बाकी मैं दूध वगैरह तो नहीं पीती, मेरी तो इफ्तार बड़ी सिंपल सी होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन घर वालों के लिए सबके लिए बनती है। आलू पालक जो है सब्जी में आज आलू पालक बनाई हुई है और बाकी दूसरी मैं आपको एक कीमा और मटर बनाया वो हमने डाल दिया। दूसरा ये देखें, ये आपको तो तेल गर्म हो रहा है उसमें खराब हो रहा है, बाकी किचन नहीं दिखाती अभी बहुत हालत खराब है किचन की। अच्छा जी, ये आपको एक चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी है, ये क्या है आप सोच रहे होंगे। ये जी ये है लुबान और इसमें दो तीन चीज़ें और लुबान, और ये कभी कभी जब मुझे लगता है घर में बैड एनर्जीज़ हैं या बीमारी है या कोई मच्छर या इस तरह की नज़रें बद या कुछ है, तो फिर वो मैं लुबान और दो चीज़ें और हैं मुझे याद नहीं आ रही है। अभी रोज़े का वक्त है ना, रोज़े से पहले सुबह से 7 बजे से उठ जाती हूँ तो मुझे बहुत इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा। अभी ये है कि टाइम बस अब इफ्तारी का हो जाए, मैं आपको अपनी इफ्तार दिखाऊंगी जी। मेरी इफ्तार ये होती है कि आई टेक ग्लास ऑफ वाटर और साथ मेरी आधा कप दही होती है, उसमें मैं स्ट्रॉबेरीज डाल लेती हूँ या कोई फ्रूट डाल लेती हूँ। फिर उसके साथ मैंने उसके ऊपर चिया सीड एक चम्मच डालती हूँ और उसके बाद मैं एक सैंडविच ग्रिल ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले लेती हूँ। आजकल ले रही हूँ, ऐसे मैं नॉर्मली नहीं लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। अगर कुछ थोड़ी बहुत मंचिंग करनी है साथ फ्रूट चाट वगैरह या दही फुल्की घर में बनी हुई है वो चख ली। उसके बाद रात को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिनर ना करूँ और 9:30 नमाज पढ़ के, इशा की और तरावी पढ़ के 9:30-10 बजे सो जाऊँ। फिर 2:30 बजे जब मेरी सहरी का टाइम होता है, किस दिन मैं आपको सहरी का भी व्लॉग बना दूँगी, तो जब मेरा सहरी का टाइम होता है तब ये होता है कि आई विल हैव 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस एंड 1 ऑमलेट, एग वाइट ऑमलेट थोड़ा सा सालन के साथ और उसके साथ चाय, तो ये मेरी सहरी हो जाती है। और पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, सो दैट्स वॉट अभी मुझे, आई एम स्वेटिंग बिकॉज मैं अभी भी वॉक करके आई हूँ। सो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अभी मैं आपको इफ्तार की भी शक्ल दिखा दूँगी और इस तरह से होती है इफ्तार मेरी, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको टेबल सेट भी दिखाऊँगी किस तरह टेबल होती है। मेरी बेटी का भी रोज़ा माशाल्लाह रोज़ रोज़े रख रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी रोज़ा है। कैसे जा रहा है रोज़ा, कमी है कमी? गुड जा रहा है, गुड जा रहा है, वेरी नाइस। और नमाज पढ़ी आपने, गला खुश कर रहा है? हाँ, बस अभी खुलने वाला, चलो दुआएं मांगे, दुआओं का टाइम हो गया। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी अपनी इफ्तारी क्या होगी और उसके बाद इंशाल्लाह और व्लॉग बनाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक माय पेज, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें और बेल रिंग करें, बेल रिंग भी करें। ऑलराइट जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, दिस इज़ आवर इफ्तार। ये चिकन सैंडविचेज हैं ब्राउन ब्रेड में बने हुए, घर के बने हुए समोसे और वो हैं, और ये
का ये प्लेटर जो मैंने आपको बताया था, ये इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, आमना इलियास नाम है उनका। बहुत खूबसूरत ट्रेज और इस तरह की चीज़ें बनाती हैं ये। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बट इट्स सो ब्यूटीफुल शी सेट मी, और ये मेरी हर इफ्तार में रहा है। थैंक यू सो मच आमना। और ये देखिए दही फुल्की बनी हुई है, घर की बनी ये। और कॉक एंड बुल से शवरमा मंगाए हैं आज, बिकॉज मेरी बेटी का रोज़ा था। तो अच्छा जी, मेरा जो है अब वो जो खाना वो है वो ये है डाइट। ये वैसे मैंने प्रेमा की, अभी मुझे वो नेस्फीटा लेती हूँ मैं, मैंने प्रेमा आज मिल गई, नेस्फीटा नहीं मिली। स्ट्रॉबेरीज इस तरह से, चिया सीड्स, और इसमें मैं ये डाल लूँगी। ये देखें स्ट्रॉबेरीज ले लें आप, कोई और फ्रूट ले लें, अगर आपको फैट्स का डर नहीं है तो आप बनानाज ले लें, बट इट्स वेरी हेल्दी। ठीक है जी, और ना मोर स्प्रिंकल चिया सीड नेट। इस बात ही हो कि मैंने हाथ यूज़ कर लिया है, लेकिन लाइक टेबल स्पून टी स्पून मैं थोड़ा ज़्यादा, मुझे पसंद है चिया सीड्स तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। ठीक है जी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय इफ्तार, वन खजूर और पानी और एक ब्राउन ब्रेड का सैंडविच। होपफुली कि आपको ये पसंद आई होगी। अपनी इफ्तारी के बाद दुआ करें और याद करें प्रेमा का, क्यों कमर्शल चल रही है। हमें दुआ में याद रखें, ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।